नमस्कार स्टूडेंट, नवभारती परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं प्रेमलता आज आपको बीएड सेकंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी स्वयं की समझ के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। पर स्टूडेंट, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपका 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का होगा। इसमें 3 इकाइयाँ हैं, जिसकी पहली इकाई है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की पहली इकाई है स्वयं का संप्रत्यय। स्वयं का संप्रत्यय यानी स्वयं से स्वयं की पहचान, स्वयं से स्वयं की पहचान। स्वयं एक सुनने में समझने में छोटा सा शब्द है स्वयं, लेकिन इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। स्वयं से स्वयं की पहचान के लिए अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा। स्वयं से स्वयं की पहचान यानी आंतरिक शक्तियों का साक्षात्कार। हमारे अंदर आंतरिक शक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए हमें स्वयं को जानना होगा और इंटरनल जो चीज़ें हैं, इंटरनल जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनको जानने के लिए हमें मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं कैसे हूँ, इन सभी चीज़ों की जानकारी अपने आप से अपने आप को अवबोध कराना होगा और जिससे हम अपने आप के संप्रत को जानने में, पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, स्वयं हम अपने आप को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन हम जब से हमारा सोचना समझना प्रारंभ होता है, जब से हम किसी और को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जबकि हमें अपने आप को जानने के लिए न टाइम होता है न समय होता है। और हम प्रत्येक चीज़ को अपने ही अंदर जो चीज़ें हमारे सॉल्यूशन है, हमारी जो आंतरिक शक्तियों में हमारी जो छुपा हुआ है, हम कहना चाहें तो स्वयं एक वैश्विक शब्द है, यानी कि जिस प्रकार विश्व की जानकारी हमें विश्व से मिलती है, वैसे ही हमें प्रत्येक जानकारी अपने इंटरनल अपनी आंतरिक शक्तियों से मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमको करना क्या होगा, सिर्फ अपने आप को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा। आंतरिक शक्ति मनुष्य की जीवंत शक्ति है, आंतरिक शक्ति मनुष्य की जीवंत शक्ति है। व्यक्ति अगर सोच ले, समझ ले और दृढ़ निश्चय कर ले किसी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ को पाने का, तो वह निश्चय ही वहाँ तक पहुँच पाता है, पहुँच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं की जानकारी के लिए हमें अपने आप का अवबोध करना होगा, अपने आप से अवगत होना होगा। स्वयं क्या है, स्वयं एक अपनी ही आत्मा से अपना ही साक्षात्कार करना ही स्वयं है। आचार्य तुलसीदास जी ने कहा है, बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, मानव का जीवन छाया व प्रकाश में है। यानी कि मानव का जीवन छाया से तात्पर्य उन्होंने अवगुणों से बताया है और प्रकाश में से तात्पर्य उन्होंने गुणों से बताया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो दुनिया में है, दुनिया में आया है, उसके जीवन में छाया और प्रकाश में यानी कि गुण और अवगुण की छवि बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी चुनौतियों को, अपनी परिस्थितियों, आने वाली जो जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां हैं, उनको सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हताश होकर अपनी जिंदगी को जीने के लिए बहुत ही परेशान होते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मानव का जीवन अवगुणों से रहित है, लेकिन अगर व्यक्ति अवगुणों में ही डूबा रहे, अवगुणों में ही डूबा रहे, तो वो अपनी यानी कि वो अपने आप को समझ नहीं पाया है, वो अपने आप को जान नहीं पाया है और उसका जिंदगी जीने का दायित्व ही नहीं रहा है। अगर इसी कारण व्यक्ति अगर गुणों से भरा हुआ है, देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि दो सीढ़ियां प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो सीढ़ियां होती हैं। पहली होती है सफलता, पहली सीढ़ी होती है आपकी, और दूसरी सीढ़ी होती है असफलता, असफलता। अब ये दोनों सीढ़ियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती हैं, सफलता और असफलता। क्या ऐसा है कि किसी एक के जीवन में सफलता होती है, एक के जीवन में असफलता होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक के जीवन में सफलता और असफलता आती है, लेकिन सफलता को पाने वाले व्यक्तियों में वो क्षमता होती है जिससे वो आने वाली परिस्थितियों को, आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी सफलता की सीढ़ी को पार कर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असफल हो जाते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं, उनमें वो जो शक्तियां हैं परिस्थितियों से लड़ने की और अपने आप को आगे बढ़ाने की, वो कम होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान पाया है। अपने आप को अगर व्यक्ति जाने तो असफलता ही सफलता के लिए प्रेरित करती है। क्या बच्चों,
असफलता ही मनुष्य को सफलता के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति सफल होगा तो समझो कि उसमें इतनी योग्यता और क्षमता है कि वो परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन असफल व्यक्ति भी सफलता के लिए अग्रसर हो सकता है, परिस्थितियों का सामना करना कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको अपने आप को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि आज तक आपने मनोविज्ञान को बीएड में क्या पढ़ा है, आपने साइकोलॉजी को पढ़ा है। साइकोलॉजी को क्यों पढ़ा है कि बच्चे, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम एक बनने वाले शिक्षाविद हैं, बनने वाले शिक्षक हैं, तो हमें साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे की साइकोलॉजी को जानना होता है, बच्चे की साइकोलॉजी को जानते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, और उसको किस तरीके की हमें स्टडी करानी है, किस तरीके का बच्चा है, ये सब जानकारी हमें होती है। ठीक उसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ भी अपने आप को, अपनी मानसिक योग्यता को, अपनी मानसिक क्षमता को जानने का विषय है। ये हमारी, अगर हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को, लाइफ को जीने के हिसाब से, जिंदगी जीने के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ही मजे आएंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जिंदगी भी एक जीने की कला है। जिंदगी को हम खुशी से जीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी जिंदगी यदि सोच सकारात्मक के साथ हृदय के संवेगों का नियंत्रण करते हुए बढ़ती है, सोच सकारात्मक होने के साथ साथ हमारे जो हृदय के संवेग हैं, हमारे जो अंदर की जो इंटरनल जो चीजें हैं उनको अगर हम कंट्रोल करते हैं, हृदय के संवेगों को नियंत्रित करते हैं, तो एक हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी कि स्वयं को एक अच्छा और समझदार इंसान पाते हैं। कैसे? यदि सोच सकारात्मक के साथ हृदय के संवेगों को नियंत्रित करते हुए बढ़ती है तब व्यक्ति के स्वयं का निर्माण होता है। यानी एक व्यक्ति के स्वयं के, अच्छे स्वयं के निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सकारात्मक सोच और उसके हृदय के संवेगों पर उसका नियंत्रण होना अति आवश्यक होता है, जिससे वह अपने आप का, स्वयं का अच्छे से निर्माण कर पाता है। स्वयं का मतलब बच्चे स्वयं से स्वयं की पहचान, स्वयं से स्वयं का बोध, स्वयं से स्वयं का परिचय, यानी स्वयं से ही स्वयं की जानकारी प्राप्त करना स्वयं का सबसे बड़ा संपर्क है। हम अपने आप की जानकारी अपने आप से लें। कई बार कहते हैं कि अपनी आत्मा की सुने, यानी अपने आप को जाने, अपने आप को समझे। अपने आप को जानने और समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ अपने संवेगों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी नियतों पर, अपनी ईमानदारी पर, इन सभी चीज़ों पर हमें नियंत्रण करना होगा, जिससे हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। जिन व्यक्तियों में आत्मबोध और आत्मस्वीकृति का गुण होता है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो बच्चों, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति को आत्मबोध और आत्मस्वीकृति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। जिस प्रकार मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना रहता है, मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देखिए बच्चों, मनोविज्ञान क्या कहता है कि दूसरे को जानना इतना जटिल नहीं है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन अपने आप को जानना, अपने आप से अवगत होना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। यदि व्यक्ति अपने आप को जान जाता है तो मनोविज्ञान के अनुसार वह अपने आप का, स्वयं का अच्छा निर्माण कर पाता है। तो हमें अपने आप को जानने के लिए स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं स्टूडेंट, जिनको अवॉइड करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ते हुए हम जिन कार्यों को करते हैं, किन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को सफलता की श्रेणी में ला पाते हैं। आज की क्लास में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी। कल की क्लास में अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें।